नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कंटिनेंट्स एंड ओशियन के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, दे आर यूजफुल फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, तो और भी नॉलेज तो हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, नाइन्थ टेंथ में भी काम आएंगे, पर आप जो इनको देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले अर्थ के बारे में समझाऊंगी। अर्थ इज राउंड, आप जानते हो, तो मैप तो राउंड नहीं है ना, मैप तो फ्लैट है। तो अर्थ को ऐसे खोलेंगे तो यानी कि जो सेम पार्ट जुड़े हुए थे मिडल से वो ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको पैसिफिक ओशन टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता दिखाई देगा। तो देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ पर सेवन कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। There are five ocean on the earth. Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. Okay. Now I will tell you about the Asia continents. It is Asia continent. It is the largest continent in the world. Mostly highest peak like Mount Everest, Kanchenjunga, K2 are present in these continents. Himalayan ranges में Mount Everest, K2, Kanchenjunga, ये जो मकालू जो highest peak है world की वो इसी continents में आते हैं, Asia continents में। Most populous country like China and India are like इन दिस कंटिनेंट्स। जो ज्यादा जनसंख्या वाले कंट्री है, चाइना और इंडिया भी इसी कंटिनेंट्स में आते हैं। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज रशिया, इट आल्सो लाइज इन दिस कंटिनेंट। जो सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड में रशिया, वो भी इसी कंटिनेंट में एशिया में ही आता है। दिस कंटिनेंट इज सराउंडेड थ्री साइड्स विद वाटर, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इन ईस्ट देयर इज पैसिफिक ओशियन, इन द नॉर्थ ऑफ एशिया इट इज आर्कटिक ओशियन एंड इन द साउथ ऑफ एशिया इट इज इंडियन ओशियन। इन द ईस्ट ऑफ इंडिया इट इज बे ऑफ बंगाल एंड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया इट इज अरेबियन सी। बोथ आर पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन। Bay of Bengal and Arabian Sea are both parts of Indian Ocean. This is only ocean which is named according to country. जिसका नाम भारत के नाम पर ही पड़ा है, इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशियन का नाम हुआ है। Now I will tell you about the Africa continent. It is the second largest continent in the world. ये दुनिया में दूसरे नंबर पर सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब दूसरे नंबर पे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। और इक्वेटर मोस्टली डिवाइड अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स इनटू टू पार्ट्स। आप देख रहे हो इक्वेटर है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ। इट इज सराउंडेड बाय फोर साइड विद वाटर, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। In east of Africa, there is Indian Ocean. In west of Africa, there is Atlantic Ocean. And in north, it is Mediterranean Sea. जिसको हिंदी में भूमध्य सागर भी कहते हैं। और east north की तरफ को ये Red Sea, यानी कि लाल सागर है। अगान की खाड़ी भी इसकी east की तरफ ही है, लेकिन अगान की खाड़ी जो पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन का है। कांगो रिवर जो कांगो में से पास आउट में फ्लो करती है, वो इक्वेटर को अबाउट टू टाइम्स कट ऑफ करती है, यानी कि दो बार वो इक्वेटर को काटती है। और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर नाइल रिवर, नील नदी भी बोल देते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो भी किसी कॉन्टिनेंट्स में फ्लो करती है।
Now I will tell you about the North America continents. Most advanced countries are present in North America continents. Canada, USA, Mexico. In the north of Mexico is Arctic Ocean, and in the west it is Pacific Ocean, and in the east it is Atlantic Ocean. Panama Isthmus is a shore narrow land which join the North America to the South America. North America और South America को जो Panama Isthmus है वो जोड़ती है यहाँ पर. Now I will tell you about the South America. Amazon Basin lie in this continent. Amazon Basin यहीं पर है. और अब ये जो ब्राजील आप देख रहे हो, about 66% part of Brazil is covered with forest. Forest से ढका हुआ है. और इक्वेटर के mostly part इसका इक्वेटर के 10 degree upper 10 degree बिलो जो पार्ट है, आप यहाँ देखिए यहाँ बहुत बारिश होती है और बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, तो फिर उसमें एनिमल्स भी ज्यादा होते हैं. इट इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स विद वाटर, इन द ईस्ट देयर इज एटलांटिक ओशियन, इन वेस्ट पैसिफिक ओशियन, एंड इन साउथ अंटार्कटिक ओशियन, और इसका जो है नॉर्थ में भी एटलांटिक ओशियन से ही कवर होता है पार्ट्स. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द यूरोप. यूरोप के बारे में समझाऊंगी. आप देख रहे हो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, मोस्टली एडवांस कंट्रीज आर प्रेजेंट इन यूरोप कंटिनेंट्स. ज्यादातर जो एडवांस कंट्री है वो यूरोप कॉन्टिनेंट्स. इट इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री. ज्यादा पॉपुलेशन तो एशिया में है, ठीक है, लेकिन एशिया का एरिया भी ज्यादा है. इसका एरिया एज कंपेयर टू एशिया इज स्मॉलर, ठीक है. उसके बावजूद भी यहाँ पे पॉपुलेशन काफी अच्छी है, और जो यहाँ की कंट्री है मोस्टली एडवांस कंट्री है. आप देख रहे होंगे कि एशिया का जो पार्ट यूरोप से ज्वाइनिंग हो रहा है, इस पार्ट्स को यूरेशिया भी बोलते हैं. और इन नॉर्थ ऑफ यूरोप देयर इज आर्कटिक ओशियन, एंड इन वेस्ट इट इज एटलांटिक ओशियन, एंड इन साउथ इट इज मेडिटेरियन ओशियन. इट इज रेड सी भी यहीं पे है. और जो इसके कुछ पार्ट्स को कवर कर रहा है कि चारों तरफ को, मतलब रेड सी, ब्लैक सी. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. मोस्टली जो यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ्स, विक्टोरिया डेजर्ट्स वगैरह ऑस्ट्रेलिया में है. और आप देख रहे हो कि सराउंडेड बाय विद वाटर, पानी से घिरा हुआ है. न्यूजीलैंड आल्सो प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द अंटार्कटिका. अंटार्कटिका को देख रहे हो, नो वन लिव हियर, कोई नहीं रहता यहाँ पर. ओनली पेंगुइन, व्हेल, सील्स, कुछ एक एनिमल्स ये जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में होता है यहाँ पे, यानी कि 0 डिग्री से भी कम होता है. और ये पैसिफिक ओशियन है, इट इज द लार्जेस्ट ओशियन. मारियाना ट्रेंच जो हाईएस्ट, जो आप कहोगे कि गहरा पॉइंट है, डेप्थ हाईएस्ट जो डेप्थ वाला पॉइंट है वो मारियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में ही है. इंडियन ओशियन इन द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है. और ये आप एटलांटिक ओशियन एस शेप का देख रहे हो. और इन जो इन साउथ में साउथर्न ओशियन, एंड या अंटार्कटिक ओशियन भी कह सकते हो, एंड नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन या नॉर्थर्न ओशियन भी कह सकते हो. तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन आंसर करोगे तो कर पाओगे.